अगर दोस्तों आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए मैं आज बहुत ही कमाल की खबरें लेकर आया हूं यूट्यूब की तरफ से। दोस्तों यूट्यूब कुछ कमाल के अपडेट लेकर आया है जिनका फायदा यूट्यूबर को होने वाला है। और दोस्तों इन अपडेट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें। और दोस्तों जब आप बेल आइकन को क्लिक करें तो ऑल वाले को क्लिक करना ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो को। तो दोस्तों YouTube के सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो सब्सक्राइब बटन से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों आप एक यूट्यूबर हैं तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी आप कोई भी वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों उस वीडियो के फर्स्ट में आप इंट्रो डालते हैं या फिर वीडियो के बीच में आप बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसे सब्सक्राइब करना है। लेकिन दोस्तों YouTube का जो ये अपडेट है वो सब्सक्राइब बटन से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ ऐसा है कि आपको ना ही इंट्रो डालने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको आपके व्यूवर को बताना पड़ेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कुछ ऐसा है कि दोस्तों YouTube एक अपडेट लेकर आया है और दोस्तों इस अपडेट की अभी टेस्टिंग चल रही है, जिसमें कुछ ऐसा है कि दोस्तों आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसमें आपको लिखना होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और दोस्तों ये जो मैसेज है जो भी आपके वीडियो को ओपन करेगा तो दोस्तों उन्हें वो सब्सक्राइब बटन के पास ये मैसेज दिखाई देगा तो उन्हें सब्सक्राइब करना होगा तो वो कर लेगा। और दोस्तों ये जो मैसेज है जो भी आपके वीडियो को देखेंगे उन्हें 3 बार दिखाई देगा, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में, फिर बीच में जब वीडियो बीच में आएगी तब, और जब वीडियो एंड होगी तो दोस्तों तभी ये मैसेज उन सभी को दिखाई देगा जो भी आपके वीडियो को देखेगा। तो दोस्तों अगर ये अपडेट आ जाता है तो यूट्यूबर को बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अब दोस्तों हम बात करें यूट्यूब के सेकेंड अपडेट के बारे में। तो दोस्तों यूट्यूब का ये जो सेकेंड अपडेट है ये कमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर दोस्तों आपके चैनल पे कोई कमेंट करता है तो आपको एक और नया ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति ने आपको कमेंट किया है तो उसका बॉक्स खुल जाएगा, और उस बॉक्स में दोस्तों उसने 12 महीने में जो भी कमेंट किए हैं वो कमेंट आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं YouTube के तीसरे अपडेट के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका जो एनालिटिक्स डेटा है वो 2 या फिर 3 दिन के बाद ही दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों YouTube के इस अपडेट के बाद आपको वो सब डेटा केवल 3 घंटे के बाद दिखाई देगा। और दोस्तों इस अपडेट के बारे में आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं और दोस्तों उस वीडियो पे CTR ज़्यादा आता है और वॉच टाइम कम आता है तो दोस्तों आप जब भी कोई भी दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे तो दोस्तों YouTube उसे ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाएगा, जिससे उनको लगेगा कि ये क्लिकबेट कर रहा है। इसके कारण दोस्तों आपका वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसमें आप जो भी थंबनेल बनाए तो वो सही बनाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्लिकबेट करते हैं जिसके कारण दोस्तों उनका CTR बढ़ जाता है, लोग आते ही बैक चले जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों वॉच टाइम भी कम आता है, और दोस्तों इसका जो असर है वो आपके वीडियोस यानी कि आपके चैनल पे पड़ेगा। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे YouTube के कुछ कमाल के अपडेट जो मेरे ख्याल से आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं एक रोल लेकर आया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये वॉलपेपर है, दीवार पे लगाने वाला है, तो इसको मैं जल्दी ही लगाने वाला हूँ और इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम वॉलपेपर लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड आप देख सकते हैं कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये लगाने के बाद बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड बन जाएगा। तो इसलिए दोस्तों मैंने इसे ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो मैं उसकी लिंक दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। तो दोस्तों इसकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हमें इसे वॉल पे लगाना है, यानी कि दीवार पे आपको कैसे इसे अप्लाई करना है, और ये कैसा आता है और इसकी क्वालिटी कैसी है, वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक और बड़ी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।